कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल का पहला साल आज पूरा हो गया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने देश की जनता के नाम पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने पिछले एक साल की सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया। साथ ही ये भी कहा कि एक साल में लिए गए फैसले बड़े सपनों की उड़ान है। कोरोना संकट और लॉकडाउन के दौरान नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला साल पूरा हो रहा है। लॉकडाउन की वजह से किसी भी तरह के राजनीतिक कार्यक्रमों के आयोजन पर पाबंदी है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी वर्चुअल तरीके से सरकार की उपलब्धियों को बताएगी। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा आज फेसबुक लाइव के जरिए पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। कोरोना वायरस दुनिया भर के 213 देशों में अपने पैर पसार चुका है। पिछले 24 घंटे में 1,25,000 नए कोरोना के मामले सामने आए और मरने वालों लोगों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। दुनिया भर में अब तक करीब 60 लाख लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 3,66,418 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं 26,56,000 लोग संक्रमण मुक्त भी हुए हैं। देश में जानलेवा कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 265 लोगों की मौत हुई है, जो एक दिन में मौत का सबसे बड़ा आंकड़ा है। वहीं पिछले एक दिन में सबसे ज्यादा 7,964 मामले भी सामने आए। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक अब तक 1,73,763 मामले सामने आ चुके हैं, वहीं 4,971 लोगों की मौत भी हो चुकी है, जबकि 82,370 लोग ठीक भी हुए हैं। यूपी में बीते 24 घंटे में 275 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए। इसके साथ प्रदेश में कुल मरीजों की संख्या 7,445 हो गई है। इनमें से 2,874 एक्टिव केस बताए जा रहे हैं। 4,410 को डिस्चार्ज भी किया जा चुका है, जबकि अभी तक कुल 201 मरीज की मौत हुई है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों और सेना के बीच एनकाउंटर शुरू हो गया। कुलगाम के वानपोरा में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी की। सेना एसओजी और सीआरपीएफ संयुक्त रूप से आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन चला रही है। चीनी सेना ने एक बार फिर से भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की कोशिश की, लेकिन भारतीय सेना इस हरकत को रोक दिया। इस दौरान भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच टकराव भी देखने को मिला। जब मई के पहले सप्ताह में चीनी सेना गालवान नदी से भारत की ओर बढ़ रही थी, तभी भारतीय सेना अलर्ट हो गई थी और सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी थी। चीन के साथ फिर से बने तनावपूर्ण माहौल के बीच भारत ने अमेरिका से कहा कि वो पड़ोसी देश के साथ बने गतिरोध को खत्म करने के लिए धैर्यपूर्वक द्विपक्षीय प्रस्ताव का इंतजार करेगा, साथ ही हर मसले को सुलझा लेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिकी समक्ष मार्क टी एस्पर को भरोसा दिलाया कि भारत को स्थापित द्विपक्षीय तंत्र के माध्यम से लद्दाख में चीन के साथ चल रहे झगड़े को समाप्त करने के लिए एक प्रस्ताव की उम्मीद है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी कोरोना वायरस संक्रमण घातक होता जा रहा है। कोरोना वायरस के चलते अब तक दिल्ली में 316 लोगों की मौत हो गई है। राजधानी में 16,281 लोग कोरोना संक्रमित हो गए हैं, वहीं इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं मरीजों की संख्या 7,995 बताई जा रही है। दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार को निर्देश दिया है कि ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा और ग्रामीण सेवा के ड्राइवरों को 5,000 रुपए का मुआवजा 10 दिन के भीतर दिया जाए। दरअसल दिल्ली सरकार द्वारा 11 अप्रैल को एक स्कीम लॉन्च की गई थी, जिसमें कोरोना की वजह से हुए नुकसान की भरपाई के लिए बतौर मुआवजा 5,000 रुपए की रकम देने की घोषणा की गई थी, लेकिन इस स्कीम का फायदा सिर्फ उन्हीं ड्राइवरों को मिला जिनके टीबीसी बेंच में चिप लगा हुआ था। बिहार में लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने के मामले में बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के खिलाफ पटना में केस दर्ज किया गया है। इनके साथ ही आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगनानंद, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, पूर्व मंत्री तेजप्रताप यादव और लालू प्रसाद यादव के करीबी विधायक भोला यादव सहित कई अन्य नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। इन सभी लोगों पर आरोप है कि उन्होंने महामारी
अधिनियम के तहत सावधानी नियमों का पालन नहीं किया। बिजनौर में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। जिले के नगीना इलाके के कोटकादार और बागला गांव में 7 नए कोरोना के मरीज मिले हैं। इनसे संबंधित अन्य लोगों के बारे में पता किया जा रहा है। सभी लोगों के क्षेत्र के 1 किलोमीटर के दायरे को सील करके सैनिटाइज कराने का काम भी किया जा रहा है। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के चेयरमैन मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा। पत्र में रशीद फरंगी महली ने सुरक्षा के उपायों के साथ लॉकडाउन 5 में इबादत घरों को खोलने की इजाजत के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मांग की है। सपा नेता और उसके साथी अजितेश नायक ने देर रात सड़क से लेकर थाने तक गुंडाई की। उनकी एसयूवी को ओवरटेक करने की कोशिश करने वाले दवा कारोबारी के बेटे को सड़क पर सरेआम जमकर पीटा, उसका सिर दीवार पर दे मारा। पुलिस जब पकड़कर थाने ले गई तो वहां जमकर हंगामा और गाली गलौज भी किया। आरोपियों के खिलाफ प्रेमनगर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। ऋषिकेश एम्स में एक युवक की जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद गांव वालों में तशद का माहौल बन गया है। प्रशासन कोरोना मरीज के घर पहुंचकर मरीज की पत्नी और बेटी को आइसोलेट कर दिया। वहीं पुलिस ने पूरे इलाके को सील कर दिया है। लोगों की आवाजाही पर भी पाबंदी लगा दी गई है। रुद्रपुर के जिला अस्पताल में जहां अब तक कोरोना का सैंपल लिया जा रहा है, अब यहां कोरोना का इलाज भी शुरू हो गया। बताया जा रहा है कि सुशीला तिवारी अस्पताल में कोरोना मरीजों की संख्या अधिक होने की वजह से वहां पर लोड अधिक पड़ रहा था, जिसको देखते हुए रुद्रपुर जिला अस्पताल में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए सुविधा शुरू कर दी गई है। जिला अस्पताल में 53 आइसोलेशन बेड को बढ़ाकर 300 बेड कर दिया गया। नैनीताल में प्रवासियों के आने से संक्रमण के मामले बढ़ने की वजह से प्रशासन और स्वास्थ्य महकमे की चिंता बढ़ गई है, लेकिन कुछ लोग नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए इसको गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं। नैनीताल के मेट्रोपोल क्षेत्र निवासी एक परिवार एम्बुलेंस के जरिए बिना अनुमति मुरादाबाद के नैनीताल पहुंच गया। पुलिस ने परिवार के 3 सदस्य समेत एम्बुलेंस चालक और हेल्पर के खिलाफ अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज करके एम्बुलेंस को सीज कर दिया है। रामनगर में ग्रामीणों द्वारा एक गुलदार के लगभग 4 महीने के शावक का शव देखा गया। ग्रामीणों द्वारा जिसकी सूचना वन विभाग के कर्मचारियों को दी गई, इसके बाद विभाग ने मौके पर पहुंचकर शावक को कब्जे में लिया। बता दें कि ग्रामीणों द्वारा 3 गुलदारों को लगातार इस एरिया में देखा जा रहा था। जब सुबह ग्रामीणों को बदबू आई तो उन्होंने देखा कि गुलदार मरा पड़ा है। मथुरा में तेज आंधी के साथ हो रही बारिश एक परिवार के लिए आफत बन गई है। थाना गोवर्धन क्षेत्र के गांव जतुंद में देर रात हुई तेज बारिश से मकान की छत गिर गई और नीचे सो रहे परिवार के 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। पूरे प्रदेश में टिड्डी दल से किसान परेशान है। ललितपुर में कृषि विभाग ने किसानों को टिड्डी दल से निपटने के लिए जागरूक किया। कृषि विभाग ने किसानों को कीटनाशक दवा छिड़काने या फिर शोर मचाकर भगाने की प्रक्रिया को समझाया। तालबेहड़ क्षेत्र के कई गांवों में किसान पूरी तरह से तैयार है। टिड्डी दल को देखते ही किसानों ने थाली बजाकर, ढोल बजाकर और पहले से मौजूद कृषि अधिकारियों ने सायरन बजाकर टिड्डी दल को आसमान से नीचे नहीं उतरने दिया। कोरोना महामारी के बीच प्रवासियों का काशीपुर में आना लगातार जारी है, जिसके चलते प्रशासन लगातार सतर्कता बरतती दिखाई दे रही है। लेकिन काशीपुर प्रशासन आधी अधूरी व्यवस्थाओं के साथ ही लोगों की जांच के लिए कदम भी उठा रहा है। काशीपुर में हर दिन हजारों लोग अन्य प्रदेश से पैदल और निजी वाहनों से आ रहे हैं, जिसके चलते प्रदेश सरकार ने सभी बॉर्डर पर कोरोना टेस्ट कराने के आदेश दिए थे। उत्तराखंड में सरकार के दुग्ध संघ की सबसे ज्यादा खपत है और इसी के साथ कोरोना काल के दौरान राज्य सरकार के दुग्ध संघ में भी दूध और अन्य पदार्थों की बिक्री में भारी कमी देखने को मिल रही है। लेकिन राज्य के दुग्ध संघ पूरी तरह से सैनिटाइज होकर दूध, दही और अन्य पदार्थों का उत्पाद कर रही है। उत्तराखंड के सबसे ज्यादा दुग्ध उत्पाद बनाने वाली लालकुआ दुग्ध संघ के प्लॉट में लगातार उत्पाद जारी है।
गुना की मुख्य कोषाधिकारी एक पेंशन कर्मचारी की पत्नी की पेंशन स्वीकृति के लिए अपनी टीम के साथ उसके घर पहुंचे। कागजी कार्रवाई पूरा करते हुए उसकी पेंशन को हाथों हाथ स्वीकृत किया गया। उत्तर प्रदेश पेंशन कल्याण संस्था की पहल पर आवेदन के 24 घंटे के भीतर कोषाधिकारी ने न सिर्फ सारी कागजी कार्रवाई पूरी की बल्कि महिला की परेशानी को ध्यान में रखते हुए अपनी टीम लेकर उसके घर भी गए। गुंडा के टियाधोक थाना इलाके के मध्यनगर गांव में तेंदुआ का बच्चा देखे जाने से हड़कंप मच गया। गांव के पास तेंदुआ देखने से लोगों में दहशत का माहौल है। तेंदुए की लाइव तस्वीर युवक ने कैमरे में कैद कर ली। ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दी। काफी मशक्कत के बाद उसे पकड़ भी लिया गया। बाजपुर में गडरी नदी किनारे सुनसान इलाके में ग्रामीणों ने गन्ने की पत्तियों के बीच एक बड़ी मादा अजगर पाइथन द्वारा दो दर्जन से अधिक अंडे दिए जाने की सूचना के बाद लोगों की भीड़ लग गई। वहीं किसी ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। मामले में वन अधिकारी ने संज्ञान लेते हुए वन प्रभाग की टीम ने तत्काल मादा अजगर को पकड़ भी लिया। बरेली की फतेहगंज पश्चिमी में कई वर्षों से बंद पड़ी रबड़ फैक्ट्री में बाघिन होने से वन विभाग में हड़कंप मच गया है। ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने मामले की जानकारी वन विभाग के साथ ग्राम प्रधान को भी दी लेकिन अभी तक किसी ने मामले पर कोई संज्ञान नहीं लिया। वहीं वन विभाग ने बाघिन को आसपास के ग्रामीणों पर निशाना भी बनाया। इसके लिए वन विभाग की टीम ने ऑपरेशन शुरू कर रखा है। मुंबई से चलकर गोरखपुर जा रही श्रमिक स्पेशल ट्रेन पहुंची जालौन के उरई रेलवे स्टेशन। पानी और स्नैक्स बांटने के लिए ट्रेन का 5 मिनट का स्टॉप निर्धारित था तो वहीं स्नैक्स और पानी बांटने में रेलवे प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। पानी की बोतल और स्नैक्स लेने की होड़ मच गई। प्रवासी मजदूरों ने सोशल डिस्टेंस की जमकर धज्जियां उड़ाई है। कानपुर के बरा थाना क्षेत्र में नशेबाजी का विरोध करना एक परिवार को महंगा पड़ गया। नशेबाजी का विरोध करने पर दबंग ने परिवार पर पत्थरबाजी करना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं दबंगों ने घर में घुसकर महिलाओं के साथ मारपीट भी की और दबंगों ने घर और गाड़ियों में भी तोड़फोड़ मचाई। वहीं पूरी घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। मेरठ मेडिकल कॉलेज परिसर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक बंदर पेड़ पर बैठकर कुछ खाता दिखाई दे रहा है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि यह बंदर कोरोना जांच के लिए लाए गए सैंपल छीनकर पेड़ पर बैठ गया और सैंपल किट को चबाने लगा। वहीं मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल का कहना है कि जो ब्लड सैंपल बंदर लेके भागा है वो कोरोना टेस्ट के लिए नहीं था बल्कि कोरोना मरीजों के रूटीन चेकअप के लिए उनके ब्लड सैंपल लाए जा रहे थे। कौशाम्बी में लॉकडाउन के दौरान ग्रामीण स्टेडियम में अधिकारियों की मछली और दारू की पार्टी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कमरे में प्लेटों में मछली और शराब की बोतलें पड़ी हैं। प्रभारी युवा कल्याण अधिकारी छंगूराम सरोज पीआरडी जवानों के साथ दारू और मछली की पार्टी कर रहे हैं जिसका किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। उन्नाव के नवाबगंज इलाके में ग्राम प्रधान के घर दबंगों ने धावा बोल दिया। दबंगों से प्रधान को गिरते देख परिवार की महिलाओं ने लाठी डंडे लेकर मोर्चा खोल दिया। मारपीट में 8 से ज्यादा लोगों को चोटें आई हैं। वहीं एसपी ने मुकदमा दर्ज कराकर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। पुलिस ने दोनों पक्षों से 24 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जाँच शुरू कर दी है। ग्रेटर नोएडा के जारजा थाना पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान 25,000 के दो इनामी बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश को काफी चोटें आई जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उधम सिंह नगर में पुलिस के लाख प्रयासों के बावजूद नशे का कारोबार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। पुलिस ने चेकिंग के दौरान बाइक सवार दो युवक को पकड़ा जिनके पास से कुल 50 ग्राम स्मैक बरामद हुआ। साथ ही उनके पास से एक देसी तमंचा और 4 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए। वहीं पुलिस ने बताया कि चेकिंग के दौरान पुलिस ने बाइक पर सवार दो युवक को पकड़ा जो स्मैक का तस्कर करते हैं। रुड़की के लश्कर में अध्यापक के घर चोरी के मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया गया जिसके पास से पुलिस ने चोरी का सामान भी बरामद किया है।
10 दिन पहले शिवपुरी निवासी अध्यापक ने घर में दो चोरों ने बंद मकान के ताले तोड़ के चोरी किए। सूचना मिलते ही पुलिस ने जांच तेज की और सर्विलांस और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने एक चोर को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरे साथी की तलाश जारी है। कन्नौज के सोरिक थाना इलाके में तेज रफ्तार ट्रक और बुलेरो में जोरदार भिड़ंत हो गई। कार में सवार छिब्रमऊ वार्ड के सभासद गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल सभासद को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। वहीं ट्रक चालक ट्रक छोड़कर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में ले लिया और मामले की जांच में जुट गई है। अलीगढ़ के थाना इगलास क्षेत्र में मथुरा के बाजना से लूट कर भाग रहे बदमाशों की सूचना पर पुलिस ने बदमाशों को घेरने का प्रयास किया। इसी दौरान बदमाशों ने असला हवा में लहराना शुरू कर दिया। खुद को बचाने के दौरान पीछा कर रहे पुलिसकर्मियों की बाइक फिसल गई, जिसमें बाइक सवार दो पुलिसकर्मी घायल हो गए और बदमाश मौके से फरार हो गया। बागपत जिला कारागार में बंद एक कैदी की बीमारी के चलते मौत हो गई। कैदी को चेस्ट में पेन होने के कारण जेल अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन हालत गंभीर होने के कारण उसको जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां उसकी जिला अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत हो गई, जिसके बाद डॉक्टर ने उसका शव को पीएम के लिए भेज दिया है। बहराइच के थाना केसरगंज इलाके में तालाब में वृद्ध महिला का शव छत विछत हालत में मिला। शव मिलने से गांव में सनसनी फैल गई। जानकारी के मुताबिक मृतक महिला गांव के ही पुजारी के साथ शनिवार से लापता चल रही थी, जिसकी शिकायत महिला के परिजनों ने थाने में दी थी। अवैध संबंधों को लेकर हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस और फोरेंसिक टीम मामले की जांच में जुटी हुई है। शाहजहांपुर में युवक को संदिग्ध हालत में गोली लगने का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां नदी में नहाए गए युवक को अचानक किसी ने गोली मार दी। उसके पेट में गोली लग गई। फिलहाल गोली से घायल युवक को गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। काशीपुर के कुंडेश्वरी पुलिस चौकी इलाके में संदिग्ध परिस्थितियों में नवविवाहिता की मौत हो गई। महिला का शव घर के कमरे में पंखे से लटका हुआ मिला है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे पुलिस ने मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं मृतका के मायके वालों ने दहेज के खातिर उसकी हत्या करने का ससुराल वालों पर आरोप लगाया है। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने शक के आधार पर मृतका के पति को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। कोरोना महामारी में सबसे ज्यादा त्रस्त अमेरिका विश्व स्वास्थ्य संगठन से हटाने का ऐलान कर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि WHO पूरी तरह से चीन के नियंत्रण में है। WHO बदलाव की प्रक्रिया शुरू करने में नाकाम रहा और अमेरिका विश्व स्वास्थ्य संगठन से अपना रिश्ता खत्म करेगा।